दोस्तों, देवताओं की पांच शक्तिशाली दैवीय वस्तुएं जिन्हें खुद देवताओं ने धरती लोक पर छुपा दिया। आखिर कौन सी थी ये पांच शक्तिशाली दैवीय वस्तुएं, आपको बताएंगे आज के वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, प्राचीन काल में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं मौजूद थी जिनके बल पर देवता उनके अंश अवतार या मनुष्य असीम शक्ति और चमत्कारों से परिपूर्ण हो जाते थे और उन वस्तुओं के बगैर व्यक्ति खुद को असहाय मानता था। कहते हैं ऐसी वस्तुएं आज भी किसी स्थान विशेष पर सुरक्षित छुपाई गई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे उन पांच चमत्कारी शक्तिशाली दैवीय वस्तुओं के बारे में जिन्हें खुद देवताओं ने धरती लोक पर छिपा दिया था। हो सकता है कि आपके ढूंढने या तपस्या करने पर आपको ये वस्तुएं प्राप्त हो जाए। पांचवें नंबर पर है अक्षय पात्र। दोस्तों, अक्सर ये चमत्कारी अक्षय पात्र प्राचीन ऋषि मुनियों के पास हुआ करता था। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय या नाश न हो। दरअसल एक ऐसा पात्र जिसमें कभी भी अन्न और जल समाप्त नहीं होता था। वहीं महाभारत में अक्षय पात्र संबंधित एक कथा भी मौजूद है। जब पांचों पांडव द्रौपदी के साथ 12 वर्षों के लिए जंगल में रहने चले गए थे, तब उनकी मुलाकात कई तरह के साधु संतों से हुई थी। वो कुटिया बनाकर रह रहे थे और वहां पर ब्रह्मशील साधु संतों के जत्थे उनसे मिलने के लिए और कुटिया में प्रवास करने के लिए आते थे। एक दिन पांडवों की कुटिया में स्वयं ऋषि दुर्वासा पहुंचे, वो भी अपने कई सारे शिष्यों के साथ। पांचों पांडवों सहित द्रौपदी के मन में एक प्रश्न था, मैं इन सैकड़ों हजारों साधुओं को आखिर भोजन कैसे करा पाऊंगी। तब पुरोहित धौम्य ने उन्हें सूर्य की 1008 नामों के साथ आराधना करने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने इन नामों का बड़ी आस्था के साथ जाप किया और अंत में भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर के पास प्रकट होकर उनसे पूछा कि इस पूजा अर्चना का आशय क्या है। युधिष्ठिर ने बताया कि उनकी कुटिया में स्वयं ऋषि दुर्वासा अपने कई सारे साधु के साथ पहुंचे हुए हैं और हम उन्हें भोजन कराने में असमर्थ हैं। मैं आपसे अनाज की अपेक्षा रखता हूँ ताकि ऋषि दुर्वासा और साथ ही साथ उनके सभी शिष्यों को भोजन करा सकूं और उनके श्राप से भी बच सकूं। कहते हैं तब सूर्य देव ने एक तांबे का पात्र देकर युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, ये तांबे का बर्तन मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारे पास फल, फूल, शाक आदि 6 प्रकार के भोजन सामग्रियां तब तक अक्षय रहेगी जब तक कि द्रौपदी उन्हें परोसती रहेगी। तांबे का अक्षय पात्र लेकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और अंत में उन्होंने ऋषि दुर्वासा साथ ही साथ उनके सभी शिष्यों को भोजन कराया। वहीं जनश्रुतियों के अनुसार इस तरह के कई सारे अक्षय पात्र आज भी हिमालय के साधुओं के पास मौजूद है। ये पात्र सूर्य की साधना से ही प्राप्त होता है, लेकिन महाभारत के दौरान इस्तेमाल किया गया द्रौपदी का वो अक्षय पात्र आज भी हिमालय के किसी पहाड़ी में दफन है। चौथे नंबर पर है कर्ण के कवच और कुंडल। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं और इस विषय पर हम बहुत सारे वीडियोस पहले भी बना चुके हैं कि कर्ण के कवच और कुंडल जन्म से ही उन्हें प्राप्त थे। दरअसल वो स्वयं सूर्य के ही अंश माने जाते हैं और कर्ण के कवच और कुंडल अमृत से निर्मित थे। कुंडल उन्हें स्फूर्ति और शक्ति प्रदान करता था और कवच दिव्य अस्त्रों से उनकी सुरक्षा करता था। कहते हैं महाभारत के युद्ध के दौरान उनके कवच और कुंडल को छल से इंद्र देव ने ले लिए थे, जिसकी वजह से युद्ध के अंत में कर्ण का वध संभव हो पाया। लेकिन कहते हैं कि कर्ण के कवच और कुंडल जब इंद्र स्वर्ग लोग लेकर जा रहे थे तब देवों द्वारा उन्हें रोक दिया गया, क्योंकि छल से प्राप्त की गई कोई भी वस्तु स्वर्ग लोक में नहीं ले जा सकते हैं। इसीलिए इंद्र देव को के कवच और कुंडल धरती पर ही कहीं छुपाने पड़े। बहुत सी जनश्रुति कहती है कि ओम नामक पर्वत पर ही कर्ण के कवच और कुंडल को छुपाया गया है। इस विषय में आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। तीसरे नंबर पर मौजूद दैवीय वस्तु गांडीव धनुष और तरकश है। कहते हैं ऋषि दधीचि ने देश हित के लिए अपनी हड्डियों का दान किया
और उन्हें हड्डियों से तीन धनुष बने, गांडीव, पिनाक और सारंग। पिनाक धनुष भगवान शिव का धनुष था, वही सारंग भगवान विष्णु का, जिसके बाद उसे भगवान श्री कृष्ण ने इस्तेमाल किया था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला है गांडीव धनुष और तरकश। कहते हैं कि गांडीव धनुष अलौकिक था। ये धनुष वरुण देव के पास था। वरुण ने इसे अग्नि देव को दिया और अग्नि देव से अर्जुन को ये प्राप्त हुआ। ये धनुष देव, दानव और गंधर्वों में अत्यंत वर्षों तक पूजित रहा था। कहते हैं किसी भी शस्त्र दिव्यास्त्र से नष्ट नहीं किया जा सकता था। जो भी इसे धारण करता था उसमें शक्ति का संचार हो जाता था। वहीं अक्षय तरकश जो अर्जुन के पास मौजूद था, कहते हैं अर्जुन के अक्षय तरकश के बाण कभी भी समाप्त नहीं होते थे और इसकी वजह से ही अर्जुन एक महान धनुर्धारी भी बने थे। वहीं स्वर्गारोहण के दौरान धीरे धीरे करके सभी पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग थे। अग्नि देव के कहने पर अर्जुन ने एक तालाब में अपने सारंग धनुष और साथ ही साथ अक्षय तरकश को भी डाल दिया था। कहते हैं इसके बाद अग्नि देव ने स्वयं गांडीव धनुष को और अक्षय तरकश को कहीं धरती पर छुपा दिया था। जनश्रुति का मानना है कि उत्तराखंड ही वो जगह है जहां पर गांडीव धनुष और अक्षय तरकश कहीं छुपे हुए हैं। दूसरे नंबर पर मौजूद है तीन ऐसी चमत्कारी मनिया जिन्हें धरती पर छुपाया गया है। दोस्तों, तीन मनियों से एक है पारस मणि। पारस मणि का जिक्र पौराणिक और लोक कथाओं में खूब किया गया है और इसके हजारों किस्से और कहानियां समाज में आज भी प्रचलित है। दरअसल पारस मणि की खासियत है कि पारस मणि से लोहे की किसी भी चीज को छुआ देने पर वो सोने की बन जाती थी और इससे लोहा भी काटा जा सकता था। कई लोग तो दावा भी करते हैं कि उन्होंने पारस मणि को देखा है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में जहां हीरे की खदान है, वहां से 70 किलोमीटर दूर दनवार गांव में एक कुएं में रात की रोशनी दिखाई देती है और लोगों का मानना है कि उस कुएं के अंदर ही पारस मणि मौजूद है। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हिमालय में ही कहीं पर पारस मणि को छुपाया गया है। दूसरी है अश्वत्थामा की मणि। कहते हैं अश्वत्थामा की सारी शक्तियां उसी मणि में समाहित थी और भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की उस मणि को अश्वत्थामा से छीन लिया था और उन्हें इस पृथ्वी लोक पर आजीवन भटकने का श्राप भी दिया था। तीसरी मणि है समयंतक मणि। कुछ लोग कोहिनूर को ही समयंतक मणि कहते हैं, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। कहते हैं ये मणि इंद्र देव के पास थी और वो इसे धारण करते थे। इंद्र देव ने यह मणि सूर्य देव को दी थी। बहुत काल बाद यह मणि राजा सत्यजीत के पास गई और सत्यजीत जीत ने यह मणि अपने देवघर में रखी थी। वहीं सत्यजीत जीत के भाई प्रसन्नजीत आखेट के लिए जंगल में गए तो वो इस मणि को पहन कर गए। वहां पर जंगल में सिंह ने उन्हें मार गिराया। सिंह के पास उस मणि को देखकर जामवंत जी ने सिंह को मारकर उस मणि को ले लिया और बाद में भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी का आपस में मुकाबला हुआ, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वो मणि जामवंत जी से जीत ली और उसके बाद वापस सत्यजीत को लौटा दी। कहते हैं कि इसके बाद समयंतक मणि कहा गई। किसी को कुछ भी नहीं पता है। वही जनश्रुति का दावा है कि जगन्नाथ मंदिर में आज भी वो मणि कहीं छुपा कर रखी गई है। तो यही थी वो तीन खास मणियां जिन्हें देवताओं ने धरती पर ही छुपाया है। पहले नंबर पर मौजूद दैव्य वस्तु जो हिमालय की पहाड़ियों पर आज भी मौजूद है और यह कुछ और नहीं बल्कि संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी एक ऐसी बूटी थी जिसको खाने से गंभीर बीमारियां भी दूर हो जाती थी। जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने वाला हो वो भी इसे खाकर एकदम फिट हो जाता था। रामायण में भी ऐसा ही हुआ था। संजीवनी बूटी खाकर स्वयं लक्ष्मण जी एकदम स्वस्थ हो गए थे। बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि संजीवनी बूटी को खाकर एक अलग ही प्रकार की शक्ति महसूस होती है। कई साधु संतों का दावा है कि इसका सेवन करने से भूत और भविष्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वहीं आयुर्वेद और अर्थवेद में उल्लेख है कि इस औषधि का सेवन करने से व्यक्ति 500 वर्ष तक निरोगी रहकर जिंदा रह सकता है। माना जाता है कि जड़ी बूटियों के बल पर जहां सभी तरह के दुख दर्द दूर किए जा सकते हैं, वही धनवान भी बना जा सकता है।
जनश्रुति और साथ ही साथ कई सारे इंटरनेट पर मौजूद आर्टिकल्स में आपको ये पढ़ने और सुनने को मिल जाएगा कि संजीवनी बूटी हिमालय के किसी पहाड़ी पर आज भी मौजूद है। बस फर्क इतना है कि लोगों को उसका हुलिया, उसका रंग रूप नहीं पता, वरना आजकल दवाई बनाने वाली कंपनियां उस संजीवनी बूटी को नहीं छोड़ती। दोस्तों, तो यही थी वो पांच दैव्य वस्तुएं जिन्हें स्वयं देवताओं ने धरती पर छुपाया था, और अगर इनमें से कोई भी आपको प्राप्त हो गई तो शायद आप भी निरोगी, शक्तिशाली और धनवान बन सकते हैं। आपका इस विषय पर क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और हमारे चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।